ये लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मणी ने ये रेखा कैसे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तपस्या की और लक्ष्मणी ने यहाँ तपस्या की, वो शिला 5 फीट लंबी वो हिलती थी, उसी शिला से लक्ष्मण झूला बोले वो टूट गई यहाँ, अब खाली चिन्ह चिन्ह रह गए। और ये शिला, इस शिला पर भगवान ने तपस्या की 1 महीना, जब 4 धाम प्रकट किए, गंगोत्री, जमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार, हर की पैड़ी, मनसा देवी और बद्रीनाथ जी जी, ये भगवान के चरण है। इधर का जो पर्वत है, नर पर्वत है, अर्जुन ये तपस्या कर रहे हैं पर्वत रूप में राक्षस मारने के लिए। इधर का जो पर्वत है, नारायण पर्वत है, कृष्ण ये भी तपस्या कर रहे हैं। सामने देखो गणेश पर्वत है, वो गणेश जी का मस्तक है, ये सूर्ण है पत्थर व्हाइट वाली, ये भी हाँ ये गणेश पर्वत है, ये भी गणेश जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। राधे राधे सभी भक्तों को, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका ये बेटा, आपका भाई आया हुआ है जमुनोत्री और गंगोत्री के आपको दर्शन कराने के लिए। आप देख रहे होंगे कि मैं एक जंगल के बीच में खड़ा हुआ हूं, ये कोई जंगल नहीं है, ये आपका सीधा रास्ता जाता है गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए। और वहाँ पर कई चीज़ हैं, वहाँ पर लक्ष्मण झूला भी है और एक सरोवर भी है। उस सरोवर की जो लीला है वो बहुत ही विचित्र है, उसके बारे में भी आगे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं। अब सीधा आपको दर्शन कराते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री के। अब सीधा चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। आगे आप देख रहे होंगे कि 2 रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता जाता है सीधा मंदिर की तरफ और एक रास्ता थोड़ा अलग चलने के बाद सीधा मंदिर के रास्ते में मिल जाता है। अब मैं आपको जीवन की एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन के रास्ते से भटक जाते हैं और आप किसी दूसरे रास्ते पर चलने लगते हैं, पर आपके पास फिर भी समय होता है, आगे चल के आप जीवन के उसी रास्ते में मिल जाएं, उसी का एक छोटा सा उदाहरण आगे। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देना चाहता हूं, अगर आप सर्दियों में 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप ब्रज के इन 4 धाम की यात्रा करें, अगर आप गर्मियों में 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड की वादियों में 4 धाम की यात्रा करें। अब सीधा चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं यमुनोत्री और गंगोत्री के। और इन दोनों में सिमिलर जो बात है, उत्तराखंड की बात करें या आप करें राजस्थान की, जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं और जो उत्तराखंड की पहाड़ियाँ वो बिल्कुल एक दूसरे से समान हैं और बिल्कुल ऐसा ही लगता है बिल्कुल उत्तराखंड की पहाड़ियों में ही हैं। और यहाँ की एक विशेषता और है, यमुना नदी यहाँ से भी निकलती है। यहाँ पर एक शिला है जिस पर लक्ष्मण जी ने बैठकर भी तप किया है, उस शिला के भी आपको दर्शन कराएंगे। अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे आपको ले चलते हैं यमुनोत्री और गंगोत्री की तरफ। और यमुनोत्री गंगोत्री का जो मंदिर है वहाँ पर एक शिला रखी हुई है, उस पर चरण चिन्ह है हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप के, वो भी आपको दर्शन कराएंगे। अब चलते हैं सीधा आगे की तरफ। बीच में वैली से होकर हम जा रहे हैं सीधा आपके यमुनोत्री गंगोत्री मंदिर पर। और आप देखें बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही पहाड़ियां हैं जैसी उत्तराखंड में हैं जब आप यमुनोत्री और गंगोत्री जाते हैं। और बिल्कुल बीचों बीच से एकदम ये जंगली रास्ता जाता है और पीछे एक वार्निंग भी लगी हुई थी कि यहाँ पर जंगली जानवर भी होते हैं तो सावधानी पूर्वक जाएं। और आप रास्ता देख सकते हैं थोड़ा उबड़ खाबड़ है, और भाई ये नज़ारा दिल खुश कर देने वाला नज़ारा है। और बिल्कुल सामने आपको मंदिर की चोटी दिखाई दे रही होगी जहाँ पर है आपका यमुनोत्री और गंगोत्री का मंदिर। अब चलते हैं सीधा वहाँ पर, और रास्ते में जो भी आपको दिखाने लायक जगह आएगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। थोड़ा कैमरा शेक हो रहा है चलने की वजह से, उसको थोड़ा इग्नोर करें, बाकी आप नज़ारे देखें। मैं अपने भाई से कहूँगा इधर उधर दिखाते रहें हमारे दर्शकों को। जिंदगी में ना उत्तराखंड अगर आप एक बार गए हैं तो एक बार आप ब्रज के इन 4 धामों की यात्रा जरूर करें। मेरे कहने से आपको जो फल यहाँ से मिलेगा ना, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप देखें ऐसी बात नहीं, यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, सामने भी श्रद्धालु आए हुए हैं और भी यहाँ पर कई चीज़ें हैं उनके। हम ऊपर आ चुके हैं मंदिर के, आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है श्री गंगोत्री श्री यमुनोत्री जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार अपने भाई से कहूँगा एक बार दिखाएं यहाँ से आपको जो नज़ारा उत्तराखंड में मिलता है यमुनोत्री गंगोत्री जी का, वही आपको ब्रिज के इस क्षेत्र में मिलता है। और ये सीधी सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर मंदिर की तरफ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है श्रद्धालुओं की। तो मैंने आपको बताया भी था वीडियो में पहले कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जैसा कि सबको इन 4 धाम के बारे में नहीं पता कि हमारे ब्रिज में भी 4 धाम हैं, तो इसी कारण की वजह से ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आ पाते। पर जैसा कि अब हम वीडियो बना रहे हैं इससे काफ़ी लोगों को पता चलने वाला है कि अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के महंत जी जिनका नाम है सरजू दास जी। वो यहाँ के बारे में बताएंगे कि कैसे गंगोत्री का निर्माण यहाँ पर होता है ब्रज में, और यहाँ का क्या महत्व है और यहाँ पर क्या क्या देखने लायक जगह है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। जय हो जय हो भैया। जय हो जी महाराज जी। जय जय श्री राधे श्याम।
देखो भगवान श्री कृष्ण ने चार धाम कराए नंद बाबा जसोदा मैया के लिए प्रकट किए, तो नीचे दर्शन बद्रीनारायण भगवान के हैं, उनके बाद में इस जगह से बोलते हैं लक्ष्मण झूला जी। इस जगह का नाम है लक्ष्मण झूला, ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। लक्ष्मण जी, ये लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या की, यहाँ 14 कोस की एरिया में करे तपो में, यहाँ हजारों वर्ष नर नारायण भगवान ने तपस्या की, उनके बाद में लक्ष्मण जी ने तपस्या की, यहाँ तपोभूमि 14 कोस की एरिया में करे नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं जी। तो पीछे गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करा में, पीछे गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन जी जी। देखो जी, सामने स्वयं भगवान ने प्रकट किए हैं, यहाँ सामने जो कुटिया दिख रही है वहाँ देव सरोवर है, बहुत बड़ा तालाब है देव सरोवर जी। कार्तिक मास में जो 33 करोड़ देवी देवता है वो स्नान करते हैं वहाँ जी, एक महीना। हाँ, उसी में से सावन के महीना में गंगोत्री धारा चलती है एक महीना, वो सामने वाली जी, ये सामने उधर साइड का रास्ता, उधर साइड का रास्ता, अच्छा ये वाली, उधर साइड का रास्ता जो गंगोत्री धारा आई है ऐसे घूमी है, बीच वाली धारा यमुनोत्री धारा आई है, ये आगे से घूमी है साइड वाली धारा अलकनंदा सरस्वती धारा है। भगवान ने 3 धारा प्रकट की है, और इधर का जो पर्वत है नर पर्वत है, अर्जुन ये तपस्या कर रहे हैं पर्वत रूप में राक्षस मारने के लिए। इधर का जो पर्वत है नारायण पर्वत है, कृष्ण ये भी तपस्या कर रहे हैं। सामने देखो गणेश पर्वत है, वो गणेश जी का मस्तक है, ये सूर्य पत्थर व्हाइट वाली, ये भी हाँ ये गणेश पर्वत है, ये भी गणेश जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। ये लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण जी ने ये रेखा खींची, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तपस्या की, और लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या की, वो शिला 5 फीट लंबी वो हिलती थी, उसी शिला से लक्ष्मण झूला बोले वो टूट गई, यहाँ अब खाली चिन्ह चिन्ह रह गए। और ये शिला, इस शिला पे भगवान ने तपस्या की एक महीना, जब चार धाम प्रकट किए गंगोत्री यमुनोत्री लक्ष्मण झूला हरिद्वार हर की पैड़ी मनसा देवी और बद्रीनाथ जी जी, ये भगवान के चरण है। इस शिला पे भगवान ने इस शिला पे भगवान ने आह्वान किया एक महीना, चार धाम प्रकट किए, जब बद्रीनाथ धाम के दर्शन हुए, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन हुए, लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, हरिद्वार के दर्शन हुए, केदारनाथ भगवान के दर्शन हुए, ये गंगा मैया ये जमुना मैया वो अलकनंदा माता आई हैं उस साइड से। तो भगवान ने यहाँ 4 धाम कराए, 4 धाम और 84 कोस में ही आते हैं 4 धाम। देखो 4 धामों का बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ भगवान ने स्वयं प्रकट किए हैं, एक तो ये 4 धाम है जी। और गंगोत्री मैया के दर्शन करो ज्ञान प्राप्त होता है यहाँ जी, और जमुना मैया के दर्शन करोगे थोड़ा त्याग करना पड़ता है, और केदारनाथ भगवान के दर्शन करोगे तो ऑटोमेटिक बैराग बन जाता है, और बद्रीनारायण भगवान के दर्शन करोगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष दाहिनी यात्रा है 4 धाम की है, चारों काम आपके ब्रज में हो जाने वाले हैं। हाँ, मोक्ष दाहिनी यात्रा है, कोई भी हो यात्री हो सभी के दर्शन होते हैं। विशेष महत्व है ये तपो में, यहाँ 1000 वर्ष संत तपस्या कर रहे हैं करते आ रहे हैं, उनकी सेवा गौ माता है, यहाँ सभी यात्री करके जाते हैं, और यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करें, लक्ष्मण जी के दर्शन करें, सरजूदास संत लक्ष्मण झूला आदि बद्री धाम से बैठकर देख रहा है, अगर वो यहाँ पर कोई सेवा करना चाहे जी, संत सेवा हो या गौ सेवा हो या कोई भी सेवा हो तो जी, कैसे कर सकता है? वो हमारे गुरु जी का कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है यहाँ लकड़ी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जी जी जी। बाबा यहाँ आने के लिए कैसे आना पड़ेगा, वो है मेन बात, अगर कोई दिल्ली से आ रहा हो हाँ, जी आ रहा तो कैसे आसानी से आ सकता है यहाँ पर? अपनी अपने वाहन हो या अपनी गाड़ी हो या ट्रेन से आते हैं, ट्रेन से आते हैं तो मथुरा आओ, मथुरा के यहाँ, मथुरा के फिर गिरिराज जी के दर्शन करके परिक्रमा करके फिर 4 धाम में घूम जाते हैं, 4 धाम के दर्शन है, और फिर 84 कोस में ही है 4 धाम। अपने वाहन से आते हैं तो शॉर्ट में लगे हुए हैं, मोबाइल सीधा ऑटोमेटिक यही पहुंचाएगा जी। तो सभी बाबा मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा जी, जैसा कि शिला पर आपने हमें भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के दर्शन कराए जी, तो बाबा ये जो शिला है जी ये कैसे मिली थी? इसी जगह पे मिली थी, हमने ये इसका निर्माण नहीं किया, ऐसे ऑटोमेटिक यात्री पे आते रहते हैं, दर्शन बोलते रहते हैं बाबा इनका निर्माण मत करो, इनको तो भगवान के चरण, इनको तो गोद में ही लेना चाहिए, तो गोद में ही लेते हैं, और सभी यात्री मना करते हैं, तो ऐसा ही अच्छा है। कितने साल हो गए बाबा? ये 5000 वर्ष है इनको, 5000 वर्ष मिले, कितना समय हो गया इनको? इनको मिले तो अभी तो मिले हैं, हाँ हाँ ज्यादा ज्यादा 40 साल हुई इसको। तो बाबा श्रद्धालु इन्हें गोद में लेते हैं? हाँ गोद में लेते हैं, भगवान के चरण लेते हैं, माथा लगाते हैं, तो ठाकुर जी की यहाँ स्वयं प्रकट किए हैं भगवान ने यहाँ। हाँ जय जय श्री श्याम, वो देव सरोवर सामने, जब वो सामने देव सरोवर है वहाँ भी, यहाँ के दर्शन कराने के बाद में आपको देव सरोवर के भी दर्शन जरूर कराऊंगा, क्योंकि वहाँ पर जैसा कि हमारे महात्मा जी ने बताया कि
कार्तिक मास में हमारे जितने भी देवी देवता वो यहाँ पर स्नान करने आते हैं और ऐसी अद्भुत जगह के दर्शन कराना तो आपको ज़रूर बनता है। और वहाँ पर एक बात और भी है, वहाँ पर कोई हमारे सिद्ध संत हुए थे और कहते हैं कि उनका जो शरीर था वो भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद उनका शरीर बिल्कुल भाप की तरह बह गया था। भगवान ने तीन आवाज मारी, रघु रघु पुकारे यहाँ से, तो ऋषि जी बोलना चाह रहे तो बोल नहीं पाए। उनका शरीर और वाणी पिघल के गंगोत्री धारा, जमुनोत्री धारा, अलकनंदा धारा, तीनों धाराओं में पानी बह के जो तपत कुंड बद्रीनारायण में, वहाँ जाके वो तपस्या कुंड माना गया। क्यों? रघु ऋषि जी ने यहाँ तपस्या की थी तो उनका शरीर और वाणी बह के तपत कुंड में जाके गिरा। जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया था कि यहाँ पर गौ सेवा की जाती है और गौ सेवा भी इतने अच्छे तरीके से की जाती है जिसका कि मैं क्या ही गुणगान करूँ। आप देख सकते हैं नीचे कोई भी किसी तरीके का गीला नहीं है और गाय और गौ माता के लिए कूलर लगाया हुआ है। और आप देखें कितने अच्छे से हमारी गौ माताएँ यहाँ पर विश्राम कर रही हैं, ऊपर पंखे लगे हुए हैं, साफ शुद्ध चारे की व्यवस्था है। इतनी विकट परिस्थिति होने के बावजूद भी, इतनी विकट परिस्थिति मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बार यहाँ से अगर आप चारों तरफ देखेंगे यहाँ पर कोई खेत वगैरह नहीं है, पहाड़ी पहाड़ हैं, पत्थर ही पत्थर हैं, पर हमारे जैसे सेवक हैं ये गौ सेवा कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैंने आपसे कहा अगर आप कोई भी यहाँ पर सेवा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गौ सेवा सीधी आपकी भगवान श्री कृष्ण जी की सबसे प्रिय हैं गाय, और वह आपकी गौ सेवा सीधी लगेगी गौ के लिए, आप गौ सेवा ज़रूर करें। और पूरा मंदिर मैंने आपको दिखाई दिया। गौ सेवा दान और साधु संत सेवा दान के लिए आपको फ़ोन पे नंबर मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में और आपको वीडियो के ऊपर भी चलता हुआ मिल जाएगा। अगर जो भी हमारे श्रद्धालु डिस्क्रिप्शन नहीं जानते वो ऊपर से भी वो नंबर देख सकते हैं और हमें फ़ोन पे के ज़रिए जो भी आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं वो आपकी सीधी गौ सेवा के लिए लगेगी। और यहाँ से आप एक बार दृश्य देखें, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके हाथ कोई भी निराशा नहीं लगने वाली है, आप एक बहुत अच्छा फल लेके जाएंगे, आशीर्वाद लेके जाएंगे भगवान श्री कृष्ण जी का। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद हम सीधा जाएंगे उस कुंड पर जिसके बारे में महाराज जी ने हमें बताया था और बहुत ही अच्छी वो जगह है। आने वाली वीडियो में तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, बोलते हैं जय जय श्री राधे।